हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गार्लिक सॉस, तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो गार्लिक सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। ये हाफ पोटैटो है जो मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है, आप मैश भी कर सकते हैं। आधा लीटर तेल है, दो अंडे हैं, हाफ टी स्पून मस्टर्ड यानी राई का पाउडर है, मैंने कूट लिया है इसे, 6 से 7 लहसुन की कलियां हैं जिसको बारीक काट के मैंने कूट लिया है, और सॉल्ट लगेगा एज पर टेस्ट। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गार्लिक पेस्ट डाल देंगे ब्लेंडर में। मस्टर्ड पाउडर, जो दोनों एग हमने लिए थे वो, और थोड़ा सा ऑयल, पूरा नहीं डालना है हमें क्योंकि हम इसे चलाते वक्त बीच में डालते रहेंगे और बहुत ही धीरे धीरे डालेंगे। तो आइए इसे बीट करना शुरू करते हैं। अब हम बीच में ऑयल डालते रहेंगे, बहुत ही स्लो स्पीड से डालना और ब्लेंडर ऑन रखना है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और ब्लेंड कर लेंगे। लास्ट में सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत ही कम सॉल्ट ऐड करना है, आप बाद में भी टेस्ट करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंच फ्राइज आप ट्राई करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मैं दे दूंगी। तो रेडी है हमारा गार्लिक सॉस, ये बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही अच्छा डिप होता है। अगर आप इसे फ्रेंच फ्राइज के साथ या किसी भी फ्राइड चिकन या कबाब्स के साथ में ट्राई करें तो इसे ज़रूर ट्राई करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।